नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पौधे शेयर करने जा रही हूँ कि जो मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि मतलब क्या बताएं, इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं, उन्हें कहीं भी डाल दो, उनकी छोटी सी कटिंग ऐसे कहीं भी गिर जाए ना, तुरंत फैल जाते हैं वो पौधे। और बढ़ने की स्पीड तो क्या कहें कि बस मतलब बढ़ते ही चले जाते हैं। और पहले नंबर पे तो मेरा यही पौधा है, मैं इसकी इतनी छोटी सी कटिंग लेकर आई थी और आज मेरे पास इतने सारे पॉट हो गए, बल्कि इधर उधर जहाँ भी गिरता है ना हो जाता है, जहाँ भी पड़ता है मुझे उखाड़ उखाड़ के इसे फेंकना पड़ता है, क्योंकि फिर इतने ज़्यादा हम रखें भी कहाँ ना, जब इतने ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास पौधे तो उन्हें हमें हटाना पड़ता है, उनकी कटाई छटाई भी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले नंबर पर तो ये पौधा है मेरा, बहुत ही मतलब देखने में भी खूबसूरत है और इसे बोलते हैं पर्पल इंच। यहाँ देख रहे होंगे इसके पीछे से ये पर्पल लग रहा है ना आपको, ये दिख रहा होगा ना पर्पल, तो इसीलिए इसे पर्पल इंच कहते हैं। तो ये बहुत ही मतलब देखने में भी बहुत खूबसूरत है, इसकी कोई केयर भी नहीं करनी है। अगर आप इतनी छोटी सी कटिंग भी ले आएंगे ना, या इसकी कोई पत्ती भी कहीं पर गिरी होगी तो पत्ती से भी तुरंत हो जाता है ये पौधा। तो इतनी स्पीड में बढ़ता है कि स्पीड तो मैं इसकी क्या बताऊं। अगर आप लाओगे, कोई केयर भी नहीं करनी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तब भी आप इसे लगा सकते हो, बस लगा के छोड़ दिया, बस कुछ नहीं करना। और इसका तो ये भी नहीं है कि फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना, और फर्टिलाइज़र डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तो जब इसे लगाया होगा उसी समय इसमें फर्टिलाइज़र डाला था, बस उसके बाद तो कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला, बस सिर्फ हाँ, लेकिन यह है कि पानी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा आपको। तो बहुत स्पीड से बहुत तेज़ी से फैलता है ये पौधा। और ये वाला पौधा भी जो मेरा सिल्वर है, ये मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, क्या नाम है इसका, तो ये भी बहुत स्पीड से बढ़ता है बहुत ज़्यादा। वो तो मैंने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, वरना अभी तक ये बहुत ज़्यादा फैल जाता। मैंने इसको मतलब कटिंग से, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा बेकार सा हो गया था, तो मैंने इसे कटिंग से लगाया है दोबारा। तो देख रहे होंगे आपकी मतलब अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी, तो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो अब हमारा अगले नंबर पे आता है ये हमारा पर्पल हार्ट भी इतनी जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है और छोटी सी कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। और देखो इसके कितने खूबसूरत से फूल भी आए हैं इस पर, तो ये भी बहुत जल्दी बढ़ने वाला पौधा है। तो आप इसे भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, कटिंग से हो जाता है, हैंगिंग में बहुत अच्छा लगता है। और जो यहाँ पे आप इसमें ये पर्पल इंच गिरी हुई दिख रहे होंगे, ये मैंने नहीं लगाई है, ये खुद ही इसमें गिरी होगी तो खुद ही अपने आप ही हो गई है, जहाँ गिरती है वहीं हो जाती है। पर्पल हार्ट भी अगर कहीं पे भी गिर जाए ना तो ये अपने आप ही हो जाता है। और हैंगिंग में लगा हुआ तो कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो हैंगिंग में आप इसे लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो, मैंने पॉट में भी लगा रखा। और स्पाइडर प्लांट भी अपने ये मतलब देखो, मैंने इसकी एक वो लगाई थी, एक ही टहनी लगाई थी, तो यहाँ पे कितने हो गए, एक दो, यहाँ पे से पीछे तीन, ये चार, इधर मतलब बहुत जल्दी फैल रहा है। और ये देखो जो इसके ये लटक रहे हैं हैंगिंग से ना, इससे आप बहुत सारे मतलब ये इसके बेबी प्लांट्स ही हैं, इसको मतलब आप लगा सकते हो। मैं भी इसका एक बेबी प्लांट सी लाई थी ऐसे छोटा सा, यहाँ से इतना छोटा सा जब लाई थी मैं कुछ साल पहले, तो ये भी बहुत जल्दी बढ़ता है। तो ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है और हैंगिंग में बहुत खूबसूरत लगता है। जेड भी बहुत जल्दी बिना केयर के बहुत जल्दी बढ़ने वाला पौधा है। और यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे टर्टल वाइन मैंने इसमें लगाई नहीं है, इस वाले पॉट में नहीं लगाई, वो आगे मैं दो दिखाऊंगी, उन पॉट्स में लगाई है, इसमें नहीं लगाई। तो ये अपने आप गिरी होगी टर्टल वाइन का, तो बस एक मतलब पत्ती गिर जाए तो बस बोलना क्या, मेरे तो हर पॉट में जम जाती है ये, और इतनी फैल जाती है कि क्या बताऊँ, बढ़ती इतनी स्पीड से है कि मतलब हमारी लंबाई से भी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं मेरे पॉट में तो ये। फिर जब इनका सीजन थोड़ा ये डोरमेंसी में जाती है तो मुझे तो पूरी हटानी पड़ती है, तब मैं दोबारा इसमें कटिंग लगाती हूँ। तो यहाँ देखो जेड भी बिना केयर के, बस एक बार जब आपने वो करना है ना, इसको लगाना है, उस समय इसकी सॉइल मिक्स अच्छे से तैयार करनी है, बहुत अच्छे से तैयार करनी है, तो उस समय। और बहुत स्पीड से बढ़ता है, मेरे जेड तो बहुत ही बड़े बड़े हैं, मैंने वीडियो में दिखाया भी है, शायद कल परसों ही वीडियो डाली थी जेड पे। और अगला पौधा है यहाँ पे वैंडरिंग जीव भी बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत खूबसूरत पौधा है, देख रहे होंगे आप।
यहाँ इसकी पत्तियों में कितनी मतलब कितने सुंदर हैं इसकी पत्तियाँ, तो हैंगिंग में बहुत खूबसूरत लगता है। ये हैंगिंग वाले पौधे भी हैं और चाहे तो आप इन्हें वैसे पॉट में भी लगा सकते हैं। इसमें लगाया है मैंने ये टर्टल वाइन, देख रहे होंगे जिसमें लगाया है उसमें इतने अच्छे नहीं हो रहे और जिसमें नहीं लगाया है उसमें इतना मतलब जिसमें अपने आप ही गिरे हैं उसमें इतने अच्छे अच्छे हो रहे हैं। इन दोनों पॉट में लगाए थे तो इस वाले की ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है और इसकी तो ठीक ठाक हो रही है। और मनी प्लांट भी मतलब काफ़ी अच्छे से बढ़ता है। मेरा तो अभी इतना अच्छा नहीं हो रहा है पर जैसा कि मैंने कटिंग अभी लगाई है तो हो गई है इसकी ग्रोथ, मतलब सही हो रही है। और यहाँ पे अगला पौधा है मेरा टैंगल हार्ट। टैंगल हार्ट भी बहुत स्पीड में बढ़ता है और जहाँ भी गिर जाए इसकी छोटी सी भी मतलब पत्ती जहाँ भी गिर जाती है ना तो बस वहीं पे ही हो जाता है और बढ़ता तो इतनी स्पीड में, इतनी स्पीड में मैं क्या बताऊँ। अब ये जा रहा है मनी प्लांट के साथ तो कहीं ये ना, यहाँ देखो इसने मनी प्लांट, मैं दिखा देती हूँ आपको, पता नहीं शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मनी प्लांट के यहाँ पे गिरा होगा ना ये, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, इसने इसके यहाँ पे जड़ पकड़ ली है। ये देखो अभी देख रही हूँ मैं भी, ये देखो यहाँ पे भी इसकी ये पत्ती गिरी होगी तो यहाँ पे भी जड़ पकड़ ली और ये देखो जड़ शायद पता नहीं दिख रही है या नहीं दिख रही है, जड़ आ गई है। तो जहाँ पर भी गिरता है वहीं पर ही हो जाता है। ये टैंगल हार्ट भी बहुत खूबसूरत पौधा है और पत्तियों में कितनी शाइन है ना इसकी, बहुत ही शाइन है इसकी पत्तियों में और इसी तरह इसके पत्तियों में भी बहुत शाइन होती है। तो ये बहुत ही स्पीड में बढ़ने वाले पौधे होते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं ये पौधे। हैंगिंग में इतने खूबसूरत लगते हैं, आप देख ही रहे होंगे मेरे हैंगिंग्स। और अपने हैंगिंग्स मैंने यहाँ इसलिए रखे हुए एक जगह में कि आजकल मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो रही है ना तो मैं तो अक्सर भी हैंगिंग्स में पानी डालना भूल जाती हूँ। मैं सच बताऊँ नीचे के प्लांट्स में सब में पानी डल जाता है पर हैंगिंग्स में पानी डालना भूल जाती हूँ अक्सर। तो आप इन पौधों को लगा सकते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही सुंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मतलब इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है इन प्लांट्स की, ये जितने भी प्लांट्स आपको दिख रहे होंगे। और अगला पौधा मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये है स्नैक प्लांट, मेरा डॉफ वैरायटी का स्नैक प्लांट है। और जो मेरे और स्नैक प्लांट है वो तो मैंने आपको दिखाए हैं कई बार, तो ये भी बहुत स्पीड से बढ़ता है, बहुत ही स्पीड से, मतलब मेरे तो इतने ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ मुझे तो हटाने भी पड़े क्योंकि इतने केयर भी करनी होती, इतने पॉट भी नहीं होते, फिर उनको संभालो। कम से कम 10 पॉट तो मेरे होंगे ही इस वाले डॉफ वैरायटी के, लगता तो बहुत खूबसूरत है। और जो स्नैक प्लांट होता है चाहे डॉफ वैरायटी का हो चाहे लॉन्ग वैरायटी का हो किसी का भी हो, बहुत ही मतलब ये भी मतलब बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है। तो इससे हम डिवाइड करके लगा सकते हैं, मैंने इसमें वीडियो भी डाला है कि डिवाइड करके कैसे लगाएं। तो ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और यहाँ पे ये आ गया है अम्ब्रेला पाम, तो अम्ब्रेला पाम भी बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसे भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। मैंने कल ही इसके सारे यहाँ से काटे हैं, सारे मतलब काट काट के काट छाट के मैंने मतलब जड़ से ही हटा दिए वो, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो इसे आप डिवाइड करके लगा सकते हो, आप देख रहे होंगे इसकी नई पत्तियाँ आई हैं जो कितनी खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आप अम्ब्रेला पाम को भी डिवाइड करके लगा सकते हो। अगर आप इसकी पत्ती को इस तरह से, इसके यहाँ पे बीज आते हैं वाइट वाइट बीज ही होते होंगे शायद, तो ऐसे नीचे करके रख दोगे ना मिट्टी में तो वो जड़ पकड़ लेता है यहाँ पे भी। तो अम्ब्रेला पाम को आप डिवाइड करके लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने ये स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ, ऐसे ही डाल दिया था, अपने आप हो गया है, देख रहे होंगे आप कितना खूबसूरत लग रहा है। वहाँ पर वो गिरा होगा, वहाँ पर भी अपने आप हो गया है। तो इस तरह आप लगा सकते हो।